नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे कच्चे पपीते की सब्जी। मैंने यहाँ पे आधी किलो पपीता लिए है, पाव भर आलू, प्याज, टमाटर, खड़े मसाले में मैंने लिए है एक लाल सूखी मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, दो लौंग, एक बड़ी इलायची। इसी तरह हम सारे पपीते के पीछे के हिस्से को छील लेंगे जो कि हरे कलर है, और अंदर के साइड से भी बीजों को इस तरह निकाल देंगे और ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ऐसे करके निकाल लेंगे ताकि इसमें बारीक बारीक जो छोटे छोटे बीज है वो भी अच्छे से निकल जाए। आपको पपीता काटते वक्त सबसे मेन बात ये ध्यान रखना है, पपीते के जो हिस्से में ग्रीन ग्रीन साइड रहती है उसे अच्छे से निकाल देना है। अगर वो अच्छे से नहीं निकलेगा तो सब्जी कड़वी बन सकती है। अब मैं पपीते को दोबारा से धो लूँगी। पपीते को मैंने पहले ही धो लिया था लेकिन दोबारा से इसलिए धोऊंगी, पपीता काटते वक्त उसमें से सफ़ेद सफ़ेद गोंद सा कुछ निकलता है जो कि चिपचिपा होता है, इसलिए उसे धोना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे मूंगफली का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सरसों का तेल या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल सूखी मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची को मैं तोड़ के डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, लौंग, जीरा, चुटकी भर हींग, मैं यहाँ पे कच्चे पपीता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पपीते को फ्राई करके भी ले सकते हैं या फिर बॉईल करके भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/4। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा आलू और पपीता अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं हमारे आलू बिल्कुल पक चुके हैं, पपीते भी पक चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट की हुई प्याज टमाटर। हमने प्याज टमाटर पहले इसलिए नहीं डाला, टमाटर डालने से सब्जी पकने में टाइम लग जाता है। लाल मिर्च पाउडर 1/4, धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4, जीरा पाउडर आधी चम्मच,
मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी में से तेल अलग होना शुरू हो गई है, यानी कि हमारी सब्जी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अगर आपको सूखी सब्जी खाना पसंद है तो आप पानी ना डालें, आप इसे ऐसे खा सकते हैं, रोटी चावल पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। हमारी सब्जी में बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, कस्तूरी मेथी, आप कस्तूरी मेथी की जगह हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तैयार है हमारे पपीते की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।